इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुजफ्फरनगर में किसानों के महापंचायत जारी, जीआईसी ग्राउंड में जारी मंथन में करीब 300 किसान संगठन शामिल हुए। महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 7 संगठन शामिल, राकेश टिकैत का दावा, महापंचायत में 5,00,000 किसानों के जुटने का अनुमान। किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, मंच पर किसान नेताओं से बातचीत करते नजर आए। किसान महापंचायत से पहले राकेश टिकैत का बयान, पूरे देश में आंदोलन की रणनीति बनेगी, देश बिक रहा है, बचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे, महापंचायत में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। महापंचायत को लेकर किसानों में दिखा उत्साह, ढोल नगाड़े के साथ नजर आए प्रदर्शनकारी, रैली में सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। मुजफ्फरनगर महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं, कृषि कानून के खिलाफ नारे लगाए। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 9 महीने से चल रहा है आंदोलन, अब महिलाएं भी ले रही हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। मुजफ्फरनगर में लगाए गए जय जवान जय किसान के नारे। एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की, कहा इस आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं, उसे और ना बढ़ाएं तथा 3 कानूनों को वापस लें। सरकार ने महापंचायत में नहीं दी है पुष्प वर्षा की इजाजत, किसानों पर फूल बरसाने की तैयारी की गई थी, आरएलडी की कोशिश थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए जाए। जयंत चौधरी ने ट्वीट कर योगी सरकार से सवाल पूछा, किसानों के सम्मान से सरकार को क्या खतरा। किसान महापंचायत को लेकर प्रियंका गांधी का बयान, किसान देश की आवाज और गौरव है, किसानों के हुंकार के सामने किसी की भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए भारी सुरक्षा, पीएसी की 6 और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। किसानों की महापंचायत पर बोले यूपी के डीजीपी, जहां जहां से किसान आ सकते हैं उन रास्तों पर सुरक्षा की व्यवस्था चुस्त की गई है। यूपी में बीजेपी आज से कर रही है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, 403 विधानसभा क्षेत्रों में होगा सम्मेलन। सीएम योगी आज वाराणसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जबकि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में जाएंगे। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा बीजेपी जात पात की नहीं करती राजनीति, सम्मेलन का मकसद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के शाहपुर में किया स्वच्छता अभियान का शुभारंभ, योगी ने नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। योगी की लोगों से अपील, कहा आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार और समाज भी स्वस्थ रहेगा, सफाई कर्मियों पर पूरे समाज की बड़ी जिम्मेदारी। सीएम बोले नगर निगम त्योहारों के बाद अच्छा काम करने वाले सफाई की कर्मियों को तैयार करें लिस्ट, अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मियों के सम्मान में कार्यक्रम किए जाएंगे और इससे इन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा। राप्ती नदी के बड़े जलस्तर पर बोले सीएम योगी, कहा पिछले 50 सालों में इस बार सबसे ज्यादा दिखा है नदी का जलस्तर, बोले संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ है। सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा ने कानपुर और फतेहपुर में ब्राह्मण सम्मेलन किया, मायावती को बताया बुआ, लोगों से मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। शिक्षक दिवस के मौके पर आज अखिलेश यादव करेंगे टीचर कॉन्फ्रेंस, भदोई में होगा समारोह। ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान, का हमारे 4 विधायक बीजेपी सरकार को कंधा देकर कहेंगे राम नाम सत्य है। दुनिया के नेताओं में नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय, द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे आया सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 8वें नंबर पर। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गिरी लोकप्रियता, मई 2020 में सबसे ज्यादा 84% थी अप्रूवल रेटिंग। शरद पवार का ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला, कहा विरोधियों पर दबाव बनाने में हो रहा है ईडी का इस्तेमाल, महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी हो रहा है ईडी का इस्तेमाल। अहमदाबाद में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, का 2024 में हमारा लक्ष्य पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीतेगी 350 सीटें, एनडीए को 400 सीटें मिलने की उम्मीद। बीजेपी नेता नारायण राणे ने जावेद अख्तर के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर ट्वीट कर बोला हमला, लिखा उनका बयान उनकी हताशा है। राणे ने ट्वीट कर लिखा उनके गाने और उनके पारिवारिक फिल्में ज्यादातर हिंदू देखते हैं, ना कि पाकिस्तान या तालिबान में। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ी, शुभेंदु के गार्ड रहे सुब्रतो चक्रवर्ती की मौत के मामले में सीआईडी ने सोमवार को तलब किया है। कल ईडी के सामने पेश होंगे टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी, कोयला घोटाला मामले में ईडी ने समन भेजा है। भवानीपुर में उपचुनाव के ऐलान के बाद टीएमसी ने शुरू किया प्रचार, भवानीपुर मांगे अपनी बेटी के स्लोगन लगे। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का बयान, बोले किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं, जेडीयू में सिर्फ एक नेता है नीतीश बाबू, बाकी सब सहयोगी हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, लालू परिवार के पास कई फ्लैट और जमीन, फिर क्यों सरकार से मांग रहे हैं पार्टी विस्तार के लिए जमीन। सुशील मोदी ने कहा कांति देवी से गिफ्ट में मिले मकान या काम के बदले लिखवाई गई जमीन पर आरजेडी ने बनाया है कार्यालय। नागपुर में आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक जारी, समन्वय समिति की बैठक में तालिबान के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा। आरएसएस की कोर कमेटी की बैठक में सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत संगठन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। मीटिंग में बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद हैं। एमपी में एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ाई जाएंगी आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बायोग्राफी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भेजी थी सरकार को नोटशीट।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई। टीचर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने देश के अध्यापकों को सराहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया। ओलंपियंस की तरह पीएम मोदी पैरालंपिक्स को भी करेंगे होस्ट, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा 2016 में हमने 19 खिलाड़ियों का दल भेजा था और इस बार 119 खिलाड़ियों का दल भेजा है, इसलिए पदकों की गिनती भी 5 गुना बढ़ रही है। कृष्णा नागर ने इतिहास रचा। टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में जीता गोल्ड, फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी को हराया। जयपुर में कृष्णा नागर ने गोल्ड जीतने पर जश्न, पिता सुनील नागर ने कहा मेरे बेटे की लिए खुशी का पल है और बेटे ने सपना पूरा किया, पूरे देश को पर गर्व है। कृष्णा नागर को पीएम मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनको बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने कमाल किया, बैडमिंटन इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सुहास एलवाई से बात की, रजत पदक जीतने पर बधाई भी दी। सुहास एलवाई की पत्नी रितु सुहास के पदक जीतने पर बोली, मुझे उन पर गर्व है, ये पिछले 6 साल की मेहनत का नतीजा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने राज्य के जिले के डीएम को बधाई दी, कहा खुशी है आपने प्रशासनिक कामों के साथ साथ पैरालंपिक में भी देश का नाम रोशन किया। टोक्यो पैरालंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल की ध्वजावाहक होंगी अवनी लेखरा। अवनी ने टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं 2 पदक। टोक्यो पैरालंपिक से वतन वापस लौटे जैवलिन थ्रोअर सुंदर सिंह बोले, मेडल जीतकर बहुत खुश हूं। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले मरियप्पन वापस लौटे, चेन्नई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के मौके पर कोलकाता में मिशनरीज और चैरिटी के मदर हाउस में की गई प्रार्थना। इस दौरान चर्च में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद थे। काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हुई। राज्य के जरिए संचालित एरियाना अफगान एयरलाइन 3 प्रांतों के लिए उड़ानें संचालित कर रही है। तालिबान में सत्ता संघर्ष को लेकर फूट पंचशीर के मुद्दे पर हुई मीटिंग में तालिबान और हुक्कानी गुट में झड़प हुई। अफगानिस्तान में सरकार गठन अगले हफ्ते तक टला, तालिबान ने सरकार गठन का ऐलान दूसरी बार टाला। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में विवाद है। तालिबान हक्कानी नेटवर्क की सारी मांग मानने के लिए तैयार नहीं, हक्कानी नेटवर्क ने रक्षा मंत्रालय मांगा है। तालिबान ने पंचशीर को लेकर बड़ा दावा किया, तालिबान ने पंचशीर के 4 इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया। तालिबान और एनआरएफ के बीच कब्जे का खूनी संघर्ष जारी, पंचशीर में बमबारी की वजह से आसमान धुआं धुआं नजर आया। तालिबान ने अंद्राब जिले पर कब्जा करने का दावा किया है, अब पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है अंद्राब। वीडियो में रिहायशी इलाकों में भी दिख रहे हैं तालिबानी लड़ाके। पंचशीर के शातल जिले के जिला मुख्यालय पर तालिबान का कब्जा, स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हथियार और यूनिफॉर्म से लैस तालिबानी आतंकी नजर आ रहे हैं। पंचशीर में तालिबान और एनआरएफ के बीच जबरदस्त जंग का वीडियो सामने आया, दोनों तरफ से लड़ाके गोलियां बरसा रहे हैं, बमबारी भी हो रही है। तालिबान ने पंचशीर मलेशिया से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है, रेजिस्टेंस फोर्स के हथियार जब्त किए, वीडियो में आप बड़ी तादाद में देख सकते हैं हथियार। रेजिस्टेंस फ्रंट ने पंचशीर पर कब्जे की तालिबानी दावे को खारिज किया है, वीडियो जारी कर कहा है कि पंचशीर की धरती को तालिबानियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। पंचशीर में रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के 600 लड़ाके ढेर किए, टास ने दी है जानकारी, 1000 से ज्यादा तालिबानी पकड़े गए हैं। यूपी में डेंगू और वायरल फीवर से अब तक 66 लोगों की मौत, फिरोजाबाद में 52, मथुरा में 14। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 179 नए मरीज भर्ती हुए जबकि 54 ठीक होकर लौटे हैं। मेडिकल कॉलेज में कुल 433 मरीज, शनिवार को 11 साल की एक बच्ची की मौत हुई। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से पिछले 24 घंटे में एक और बच्चे की मौत हुई है, सीएमओ की लोगों से अपील, आसपास पानी जमा ना होने दें, अगर पानी है तो उस पर काला तेल डाल दें। यूपी में रहस्यमय बुखार में दहशत, लखनऊ में अब तक सामने आए 400 केस, ओपीडी में 20% ज्यादा बुखार और सर्दी के मरीज। कानपुर में वायरल फीवर का बड़ा प्रकोप, पिछले 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत और अब तक 7 की जान गई। पिछले 2 दिन में सरकारी हॉस्पिटल्स में बढ़ी है संख्या, भर्ती होने वालों में बच्चों की संख्या ज्यादा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की लगभग 67 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,766 नए मामले सामने आए हैं और कुल सक्रिय केस हुए हैं 4 लाख के पार। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस, 142 लोगों ने दम तोड़ा है। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस का पहला मामला सामने आया है, 12 साल के बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज के दौरान मौत हुई। बच्चे की मौत पर बोली केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज, का हमने स्थिति को संभालने के लिए टीमों का गठन किया है, शुरू किए संपर्क ट्रेसिंग और अन्य उपाय। दिल्ली पुलिस ने नए कांस्टेबल्स की बहाली पर परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने उनका उत्साह बढ़ाया। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, भारी दिल्ली के खेड़ा में बदमाशों ने हार्डवेयर की दुकान से लूटपाट की, बदमाशों ने हवा में फायरिंग की, लूट का विरोध करने पर दुकानदार के पैर में गोली मारी, जांच कर रही है पुलिस।
दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक महिला की डेड बॉडी बरामद, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, डेड बॉडी को फिलहाल पहचान नहीं पाया है। यूपी के गाजियाबाद में गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, 10 से ज्यादा गाड़ियां बरामद की गई। मसूरी के पास केम्प्टी फॉल में उफान, 200 पर्यटकों को सुरक्षित भेजा गया। प्रशासन ने केम्प्टी फॉल के पास आवाजाही पर रोक लगाई, आसपास के 20 दुकानों को सुरक्षित जगहों तक भेजा गया। गुजरात के केवड़िया में शुरू हुआ देश का पहला कम्युनिटी ट्राइबल रेडियो FM 90 रेडियो में काम करने वाले ज्यादातर स्थानीय युवा। अमृतसर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां तेज, भगवान गणेश की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बिक रही हैं। गणेश महोत्सव और विश्वकर्मा पूजा को लेकर गुवाहाटी में मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई, लेकिन कोरोना के चलते डिमांड काफी कम। गणेश प्रतिमा को लेकर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन, घर में स्थापित करने वाली प्रतिमा की ऊंचाई 2 फीट और बाहर के लिए प्रतिमा की हाइट 4 फीट रखी गई है। ओवल टेस्ट में रोहित शर्मा के शतक की बदौलत टीम इंडिया की वापसी, तीसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने 3 विकेट पर 270 रन बनाए। रोहित शर्मा ने तीसरे दिन 127 रनों की पारी खेली, भारत ने इंग्लैंड से तीसरे दिन 171 रनों की लीड ली। चौथे टेस्ट में रोहित शर्मा ने विदेश में लगाया पहला टेस्ट शतक, रोहित ने बतौर ओपनर 11,000 रन भी पूरे किए। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में जड़ा है 9वां शतक, राहुल द्रविड़ के 8 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा, डॉन ब्रैडमैन ने जड़े हैं 11 शतक। चीन के कई शहरों में मौसम के लिए अलर्ट जारी हुआ, आने वाले कुछ दिनों तक हो सकती भारी बारिश। न्यू जर्सी के मानविले से सामने आई तबाही की तस्वीर, ईडा तूफान से घर, गाड़ियों और कारोबार को काफी नुकसान हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी भी धधक रही है जंगल की आग, फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। अमिताभ के शो कौन बनेगा करोड़पति में स्पेशल गेस्ट होंगी फराह खान, दीपिका पादुकोण, अमिताभ देंगे फराह की फिल्म का ऑडिशन, एक चुटकी सिंदूर डायलॉग बोलते हुए नजर आएंगे। शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म में प्रिया मणि की एंट्री, पुणे में शुरू हुई है फिल्म की शूटिंग। अमिताभ बच्चन की ऊंचाई में नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा, अमिताभ परिणीति के अलावा फिल्म में अनुपम खेर, नीना गुप्ता और बोमन ईरानी भी होंगे। अली अब्बास की अपकमिंग फिल्म में जासूस के किरदार में नजर आएंगे दिलजीत दोसांझ, क्राइम कॉमेडी होगी फिल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।